चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग परफॉर्मेंस सिचासिटी पे। तो आज हम जो सेशन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं वो बेस्ड होगा न्यू कमिटीज़ कमीशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपको जो इंपॉर्टेंट समिति हैं और कमीशंस हैं जो आपके हुए इंसिडेंट्स पर आधारित हैं जिनको सुलझाने के लिए या उनकी जाँच करने के लिए बनाया गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो जनरल लगेगी तभी लाइक करेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैन कमेटी से। देखिए काफ़ी फेमस कमेटी है, पूछा भी जाता है कि जैन आयोग जो है वो क्यों बनाया गया था। तो राजीव हत्याकांड से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा जैन कमीशन, जबकि इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित क्या हो जाएगा आपका ठक्कर आयोग। ध्यान रखिएगा, अगर ठक्कर आयोग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी हत्याकांड, जबकि जैन कमीशन पूछा जाएगा तो वो राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हंटर आयोग की बात करें दोस्तों तो जलियांवाला बाग मैस केयर के लिए, रॉलेट एक्ट के लिए भी पूछा जाता है कौन सा कमीशन बनाया गया, तो वो हंटर आयोग बनाया गया था, जबकि बाबरी मस्जिद के लिए पूछा जाएगा तो लेब्राहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, लेब्राहन आयोग पूछा जाएगा तो वो बाबरी मस्जिद के लिए बनाया गया था, जबकि हंटर आयोग बनाया गया था आपका जलियांवाला बाग मैस केयर के लिए। श्री कृष्णा आयोग पूछा जाएगा तो मुंबई रायड्स के लिए, मुंबई दंगों के लिए ध्यान रखिएगा श्री कृष्णा आयोग बनाया गया था। और गोधरा कांड गुजरात के लिए अगर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नानावटी। गोधरा कांड अगर गुजरात के लिए पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नानावटी हो जाएगा। ठीक है, ये डेट ईयर्स इसको मिटा दीजिएगा, ईयर्स ऊपर नीचे हो गए। प्रदीप श्रीवास्तव अगर कमेटी पूछा जाएगा तो देखिए अभी लखीमपुरी में एक घटना हुई थी जिसमें किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तो उस घटना के लिए, लखीमपुरी घटना के लिए प्रदीप श्रीवास्तव कमेटी बनाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमिताभ कांत समिति पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत आपको पता होगा कि नीति कमीशन के सीईओ भी हैं, ट्रेनों को प्राइवेट करने के, टू गिव द ट्रेन्स टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए ट्रेनों के लिए अमिताभ कांत समिति बनाई गई है जो कि प्राइवेटाइजेशन से संबंधित हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ढींगरा कमेटी की बात करें दोस्तों तो 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों के लिए ढींगरा कमेटी बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे, शिव नारायण ढींगरा। जबकि YH मालेगांव समिति पूछा जाएगा तो जो माइक्रो क्रेडिट फ्रॉड्स होते हैं यानी जो सूक्ष्म ऋण धोखाधड़ी के होते हैं उनके निगरानी के लिए, उनके मॉनिटरिंग के लिए आपको YH मालेगांव समिति बनाई गई। गोईपुरिया समिति क्यों बनाई गई, तो ये बनाई गई बैंकिंग सुधारों से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्रधानमंत्री की जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसकी से भी संबंधित है और एजुकेशन से संबंधित सारी समितियों के बारे में मैंने बताया हुआ है इसमें, और वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करेगा। ठीक है, बैंकिंग सुधार समिति के लिए चलाया गया आपका गोईपुरिया समिति, जबकि सुखमय चक्रवर्ती समिति क्यों चलाई गई, तो ध्यान रखिएगा मॉनेटरी सिस्टम के लिए, मौलिक प्रणाली को कंसिडर करने के लिए आपको चलाया गया, बैंक एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। रघुराजन समिति पूछा जाएगा आपको तो फाइनेंशियल सेक्टर में, रघुराम राजन ध्यान रखिएगा हमारे गवर्नर भी रहे, इनकी किताबें भी मैंने आपको बताई थी, थर्ड पिलर हो गया इनकी किताब मैंने बताई थी आपको, उसके अलावा आई डू व्हाट आई डू मैंने इनकी किताब बताई थी। ठीक है, तो रघुराम राजन समिति हो जाएगी वो फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित है, जबकि सुंदर राजन समिति पूछा जाएगा तो वो मिनरल ऑयल को इम्प्रूव करने से संबंधित आपका सुंदर राजन समिति हो जाएगा। रेखी समिति की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है रेखी कमेटी पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित है, जबकि वांचू कमेटी पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित हो जाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्सेस से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वांचू समिति। मेरा सेट कमेटी ध्यान रखिएगा आपका हथकरघा के विकास के लिए, मीरा सेठी कमेटी अगर पूछा जाएगा तो वह हथकरघा विकास से संबंधित है, और महाल नोबिस पूछा जाएगा नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है कि नेशनल इनकम से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी महाल नोबिस। आबिद हुसैन पूछा जाएगा तो स्मॉल इंडस्ट्री से संबंधित है, लघु उद्योग से, अभी अगर पूछा जाएगा हमारा लघु उद्योग मंत्रालय किसके पास है तो वो ध्यान रखिएगा नारायण राणे तातू के पास है, पूछा जा सकता है नारायण तातू राणे के पास। स्वामीनाथन समिति किसके लिए बनाई गई, पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए, जनसंख्या जो है कि नीति के लिए स्वामीनाथन समिति बनाई गई थी। जानकी रमन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए यानी प्रतिभूति घोटाला के लिए। दंतेवाला पूछा जाएगा तो एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के अनुमान के लिए दंतेवाला, ये आपके रेलवे और एसएससी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाजन समिति की बात करें सुगर इंडस्ट्री के लिए, ध्यान रखिएगा महाजन समिति सुगर इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी, जबकि टेक्सटाइल पॉलिसी के बनाया गया सत्यम समिति, टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए पूछा जाएगा तो वो सत्यम समिति बनाया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति बनाई गई गरीबी रेखा के आकलन हेतु, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई पंचायती राज व्यवस्था के लिए, जो कि थर्ड टीयर, ध्यान रखिएगा त्रिस्तरीय जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था उसके लिए बलवंत मेहता, जबकि दो स्त्री पूछा जाएगा तो उसके लिए अशोक मेहता। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1959 में आपका सबसे पहले
जो है कि राजस्थान से के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था हमारी शुरू करी गई थी। नाबार्ड के लिए पूछा जाएगा कौन सी कमेटी बनाई गई, तो वो बनाई गई शिवरामन कमेटी, और 1982 में नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ध्यान रखिएगा। राजा चलैया समिति पूछा जाएगा, टैक्स रिफॉर्म्स पूछा जाएगा तो राजा चलैया समिति हो जाएगी। ज्ञान प्रकाश समिति देखिए सुगर स्कैम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ज्ञान प्रकाश समिति पूछा जाएगा तो वो सुगर स्कैम के लिए हो जाएगा, चीनी घोटालों के लिए। केलकर समिति ध्यान रखिएगा टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए, कर संरचना सुधार के लिए कौन सी समिति चलाई गई, केलकर समिति चलाई गई। ध्यान रखिएगा जीएसटी को लाने का क्रेडिट किसको जाता है, विजय केलकर को, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारी आयोग किस चीज के लिए चलाया गया था, तो वो चलाया गया था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग चलाया गया था। जबकि मंडल कमीशन पूछा जाएगा तो पिछड़ी जाति के आरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड्स कास्ट के लिए कौन सी कमेटी चलाई गई थी, बीपी मंडल, मंडल कमेटी बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति अभी जस्ट मैंने बताया टू टीयर के लिए पंचायती राज संस्थाओं पे, इसमें टू टीयर दो स्त्री के लिए कौन सी बनाई गई थी, अशोक मेहता। कालेकर पूछा जाएगा तो देखिए बीपी मंडल रिजर्वेशन से संबंधित है फॉर बैकवर्ड क्लास, और कालेकर हो जाएगा तो फर्स्ट कमीशन जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए बनाई गई, यानी पहला ऐसा आयोग जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए यानी पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया। शिक्षा सुधार के लिए, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोठारी कमीशन, कई बार आपको पूछा गया है। मल्होत्रा समिति हो जाएगा तो बैंक सुधार क्षेत्र में समिति जो है वो मल्होत्रा समिति हो जाएगी, जो बैंक सुधार में के लिए बनाई गई थी, अब सॉरी बीमा सुधार के लिए, ध्यान रखिएगा। नरसिम्हन समिति पूछा जाएगा तो बैंकिंग सेक्टर सुधारों पर नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। जबकि फूकन, फूकन पूछा जाता है आपको कि जो डिफेंस जो डील हुई थी उसमें जो तहलका टेप आपका मामला था उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो फूकन आयोग बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। फूकन कमीशन जो है वो तहलका टेप से संबंधित है, जो कि डिफेंस डील से संबंधित है, एक नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। सच्चर समिति ध्यान रखिएगा, जो मुस्लिम समुदाय है, जो मोहम्मदन समुदाय है, उसके इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्थिति को जानने के लिए, पोजिशन को जानने के लिए सच्चर समिति बनाई। और श्री कृष्ण आयोग पूछा जाएगा, देखिए मैंने पहले भी बता रखा है बॉम्बे दंगों के लिए, श्री कृष्ण कमीशन पूछा जाएगा तो बॉम्बे दंगों के लिए, जबकि श्री कृष्ण कमेटी पूछा जाएगा तो वो तेलंगाना के अलग राज्य की मांग पे, ध्यान रखिएगा। कमीशन पूछा जाएगा तो बॉम्बे जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, और कमेटी पूछा जाएगा तो आपको तेलंगाना एक अलग राज्य तेलंगाना बनाने की मांग पे। सुधीर कुमार सक्सेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सूची सुरक्षा चूकों की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो वो सुधीर कुमार सक्सेना समिति बनाई गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। करण किरण रिजिजू समिति पूछा जाएगा तो 2020 से 24 में होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए किरण रिजिजू समिति बनाई गई, और गौतम ने समिति बनाई गई जीएसटी को सरल बनाने के लिए, ठीक है, जीएसटी जो है उसको सरल बनाने के लिए गौतम ने समिति बनाई गई। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूँ ये देखिए समिति वाला थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक नंबर आपको बना के ही जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करेगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अन अकेडमी मेरी फ्री क्लासेस के लिए, जैसा कि आप कोड देख रहे होंगे vimresh@14 लास्ट पेज पे, उस कोड को जो है कि अप्लाई करके आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं प्लस कोर्सेज के लिए। अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो भी उसी कोड को अप्लाई करके अन अकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप प्लस क्लासेस जो है कि स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री क्लासेस मेरी मिल जाती हैं। प्लस अगर फ्री क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप प्लस क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं, प्लस क्लासेस में बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे, मेरी क्लासेस मिल जाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ मिल जाएंगे, उनके टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उनके नोट्स मिल जाएंगे, प्लस हैंड रेज का भी ऑप्शन है जहाँ पर रेज हैंड करके आप अपने जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। प्लस आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 20% ऑफ पाने के लिए आप vimresh@14 कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।